मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंत्री तो अब गाली देने पर उतर आए हैं। इतनी भी क्या बौखलाहट है कि सरेआम एक महिला के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। राज्य की पॉलिटिक्स में एक नई हलचल पैदा हो गई। दोनों को राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया गया। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दोनों को गालियां दी है, सुनिए जरा। हमारे मुख्यमंत्री जी सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोपटे हरामी, अगर तेरे को बोलना है तो जहाँ बोलना है तू बोल, तेरे को जहाँ पढ़ना है तो नहीं नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या। इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिख मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से आने के कारण उन्हें जेल में पानी तक नहीं दिया जा रहा है, ना ही वॉशरूम जाने दिया जा रहा है। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चंद्रपुर में आरोग्य शिविर कार्यक्रम में कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा ने इस वक्त देश में अशांति का माहौल पैदा कर दिया है, मुंबई में जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। विजय वडेट्टीवार ने कहा, नवनीत कहती है मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके आगे वो क्या कहते हैं जरा आप खुद ही सुनिए उनकी मीठी बोली। ऐसे ऐसे किस हिंदुस्तान में बैठा कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से सरेआम एक महिला के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उद्धव सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी या फिर से दोहरा रवैया अपनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।